हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का सेशन 2 इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। सो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड्स ऑटो शेप्स, कर्व्स, लाइंस एंड ग्राफिक्स टेक्स्ट आर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पिक्चर्स। सो बेसिकली पिक्चर्स आर ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड बाय एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप से आपने कोई इमेजेस क्रिएट किया तो वो पिक्चर्स कहलाएगा। आपने एमएस पेंट से कोई इमेजेस क्रिएट किया तो वो पिक्चर्स कहलाता है, या फिर स्कैन इमेजेस हो गया, या फिर पहले से गैलरी में जो इमेजेस होते हैं ना उसे हम लोग पिक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस सेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंसर्टिंग ऑटो शेप्स। हम लोग ऑटो शेप्स को राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और यहां पे हम लोग देखेंगे कि ऑटो शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑटो शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हो, ये इसे कहते हैं हम लोग ड्रॉइंग टूल बार। ड्रॉइंग टूल बार में आप देख सकते हो बहुत सारा आपके पास ऑटो शेप्स है, यहां से आप ऑटो शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये ड्राइंग टूल बार एक्टिव नहीं हो, ये विजिबल नहीं हो आपके राइटर में, तो आप इसे कैसे विजिबल कर सकते हो, ये देखिए, इसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पे आपको एक आइकन मिलेगा, सो ड्रॉ फंक्शन आइकन। ठीक है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, आप देखोगे ड्रॉइंग टूल बार जो है ना वो हिडन हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पहले से हिडन है तो आपको सिंपली बस इस पे क्लिक कर देना है, सो ड्रॉ फंक्शन इस वाले आइकन पे, परफेक्ट। या फिर आप व्यू मेनू में जाकर के, टूल बार में जाकर के भी यहां से भी आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग टूल बार को एक्टिव कर सकते हो। ये देखिए यहां पे आपको ये अभी टिक दिख रहा है, जैसे ही मैं इसे अनटिक करूंगा आपका ड्राइंग टूल बार यहां से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको व्यू मेनू में जाना है एंड देन गो टू टूल बार और यहां पे आपको ड्राइंग पे क्या कर देना, टिक कर देना। ये देखिए हमारा ड्राइंग टूल बार फिर से एक्टिव हो गया, परफेक्ट। अब चलिए मैं आपको रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करके दिखाता हूं। तो सिंपली बस इस पे आपको माउस को क्लिक करना है और माउस पॉइंटर को अपने वर्किंग एरिया में डॉक्यूमेंट में लेकर के आना है ना। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करके माउस पॉइंटर को आप मेन वर्किंग एरिया में लाओगे, आपका माउस पॉइंटर प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद शेप को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कर देना है, होल्ड करके बस सिंपली ड्रैग कर लेना। आपको जैसा शेप चाहिए है ना उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो और उसके बाद सिंपली माउस पॉइंटर को रिलीज कर देना है। ये देखिए आपका शेप बनकर रेडी है। ठीक है, मैं आपको एक सर्कल बना करके दिखाता हूं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, माउस पॉइंटर को यहां पे लाना है, ये प्लस आइकन में चेंज होगा, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग। जितना बड़ा चाहते हो आप उसको उतना एक्सपेंड कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। मैं इस साइज का चाहूंगा तो ऊपर की ओर इसे मैं ले जाऊंगा माउस पॉइंटर को, उसके बाद बस सिंपली माउस पॉइंटर को रिलीज कर देना। तो इस प्रकार से हम ऑटो शेप्स को अपने राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टू एड अ लाइन। आप राइटर डॉक्यूमेंट में लाइन को कैसे ऐड कर सकते हो, तो ये भी काफी सिंपल है। मैं इसी डॉक्यूमेंट में आ जाता हूं, यहीं पे हम लोग सारा चीज करके देखेंगे। ठीक है, और ऐसा करते ही ये इन सारे शेप्स को मैं डिलीट कर लेता हूं। ठीक है, फ्रेश मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए ड्रॉइंग टूल बार में आपको यहां पे लाइन का आइकन मिल जाता है ना, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और फिर उसी प्रकार से आपको यहां पे ड्रैग कर लेना है लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके। ठीक है, तो आप देखोगे आपका लाइन जो है आपके डॉक्यूमेंट में ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर आप इस पे एरो, इस लाइन पे एरो ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको लाइन को सेलेक्ट करना होगा, देन राइट क्लिक और यहां पे आपको लाइन ऑप्शन को चूज करना। जैसे ही लाइन ऑप्शन को आप चूज करोगे लाइन डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहां पे देखिए आपको एरो स्टाइल्स का कैटेगरी मिल जाएगा। आप सिंपली अगर आप लेफ्ट साइड में एरो को ऐड करना चाहते हो तो यहां पे जाओगे, ठीक है, इस वाले सेक्शन में, और यहां से आपको ड्रॉप डाउन मेनू से जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगता है वो ले लेना। मान लो मैं इस एरो को मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं इसे बस सिंपली सेलेक्ट करूंगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये देखिए एरो ऐड हो चुका। वही चीज अगर आपको राइट साइड में एरो चाहिए तो आपको राइट क्लिक करना है, लाइन ऑप्शन
और यहां पे आपको ये देख लीजिए, मान लो मैं इस एरो को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, डबल एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो देखिए इस साइड में भी मेरा एरो आ चुका है, ठीक है। इसी काम को आप फॉर्मेट मेनू से भी कर सकते हो, सिंपली आपको लाइन को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट मेनू में जाना और यहां पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से आपको लाइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से देखिए लाइन डायलॉग ओपन हो जाएगा और फिर आप जैसा लाइन चाहते हो वैसा आप लाइन यहां से ले सकते हो, ठीक है। डायमंड अनफिल्ड मैं ले रहा हूं एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में डायमंड अनफिल्ड आपका एरो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये भी काफी इजी टॉपिक है, इसको भी मैं उसी डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस शेप को भी डिलीट कर लेता हूं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स इज अ रेक्टेंगुलर डॉटेड बॉक्स वेयर वी कैन राइट द टेक्स्ट एंड वी कैन एडिट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए भी आपको ड्राइंग टूल बार में जाना होगा और यहां पे देखिए ये जो टी लिखा हुआ ना, इस टी आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आपको सिंपली वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेना है, आपका टेक्स्ट बॉक्स अपियर हो जाएगा और यहाँ पे फिर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी प्लैनेट, ठीक है, परफेक्ट। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट बॉक्स को एड कर पाओगे। चलिए बोलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंजिंग लाइन स्टाइल और लाइन कलर इन अ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग लाइन का स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे और लाइन में कलर कैसे ला पाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ऐसा करता हूं मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका आप लाइन स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप इस पे फिर से आपको राइट क्लिक करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन लाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही से आप सेलेक्ट करते हो लाइन डायलॉग ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए लाइन का आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सारे लाइंस का आपको स्टाइल्स मिल जाएगा। आप मान लो ये चाहते हो लाइन विथ फाइन डॉट्स तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसे कलर चेंज करना चाहते हो तो इस यहाँ पे आपको जाना है, मान लो मैं ले लेता हूँ पिंक वन, परफेक्ट। एंड देन सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है, ओके। ये देखिए तो इस प्रकार से आपका लाइन चेंज हो जाएगा, लाइन का स्टाइल और कलर चेंज हो जाएगा। वही अगर आप इसका विड्थ इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, है ना, इस प्रकार से आप विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो तो ये प्रॉपर विजिबल हो सकता है। ये देखिए अब प्रॉपर विजिबल है, आप अच्छे से इसे देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लाइन का प्रॉपर्टीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग फील स्टाइल फील कलर इन अ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट। तो इसे मैं आपको रेक्टेंगल शेप में करके दिखाता हूं, है ना, कि उस शेप में कैसे हम लोग कलर को फील कर पाएंगे, है ना, तो आप ज्यादा इजीली समझोगे। हालांकि ये सेम ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूं और हम लोग लेकर के आते एक रेक्टेंगल शेप, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसमें क्या करना, कलर फील करना है। तो इस बार क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और इस बार एरिया ऑप्शन को सेलेक्ट करना, ठीक है। यही काम आप फॉर्मेट मेनू से भी कर सकते हो, मैंने बताया था फॉर्मेट मेनू में जाना है ऑब्जेक्ट ऑप्शन और यहां से आपको एरिया ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही एरिया ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे एरिया डायलॉग ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिल जाता है, जैसे मैंने सी ब्लू ले लिया और बस सिंपली उसके बाद क्या कर देना है, ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। आप शैडो अप्लाई करना चाहते हो तो शैडो भी कर सकते हो, ठीक है। शैडो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन यूज शैडो, इस पे आप ना भूले, है ना, इस चेकबॉक्स पे टिक करना होगा आपको। और शैडो हम लोग ब्लैक ही रखे या कुछ और भी आप रख सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ येलो ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये देखिए इस प्रकार से आप शेप का कलर भी फिल कर पाएंगे और उसमें शैडो भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि सारा टॉपिक्स काफी इजी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ग्राफिक्स टेक्स्ट आर्ट। अब हम लोग डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स टेक्स्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट कर पाएंगे, तो फिर से मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। ये आपको उसके लिए भी ड्रॉइंग टूल बार में जाना है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ ना, ये है हमारा फॉन्ट वर्क गैलरी, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे फॉन्ट वर्क गैलरी डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ये वाला परफेक्ट लग रहा है तो मैं फेवरेट 7
इस वाले स्टाइल को मैं सेलेक्ट करता हूं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे लेफ्ट डबल क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पे फिर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं टेक्नोलॉजी प्लैनेट ही लिख लेता हूं, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लैनेट। और उसके बाद आपको फिर से है ना यहां से थोड़ा बाहर एरिया में, एम्प्टी एरिया में टू टाइम्स लेफ्ट डबल क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं टू टाइम्स लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया था उसमें ये चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी प्लैनेट। आप इसको फिर एडजस्ट कर सकते हो, इसका साइज को अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर ले, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम गैलरी, हम लोग पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर तो वैसे बहुत सारे तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, मैं दो तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तरीका है, आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। डायरेक्टली आप यहां पे गैलरी में जाकर के बस सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, गैलरी ओपन हो जाएगा और फिर आप कोई भी पिक्चर को, जो भी यहां पे कंडीशन यही है ना कि आपके गैलरी में जो पिक्चर होगा बस आप उसी को इंसर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा गैलरी में मिल जाता है कैटेगरी, जैसा बैकग्राउंड हो गया, है ना, आपका कंप्यूटर्स हो गया, चलिए हम लोग कंप्यूटर में कुछ इंसर्ट करके देखते हैं, है ना। तो बहुत सारा यहाँ पे आपको गैलरी में इमेजेस मिल जाते हैं, इस वाले को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस सिंपली इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो अपने, है ना, डॉक्यूमेंट में। तो इस प्रकार से हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैलरी। अब आपको गैलरी को हाइड करना, तो फिर से आपको इस वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इस बार मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखा रहा हूं फ्रॉम फाइल ऑप्शन से, मतलब आपने कंप्यूटर में कहीं पे पिक्चर को रखा हुआ है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में या फिर पेन ड्राइव में है, तो वो आप कैसे इंसर्ट करोगे। ठीक है, या फिर इंटरनेट से आपने कुछ पिक्चर्स को, इमेजेस को डाउनलोड करके रखा, तो उसे कैसे इंसर्ट करोगे। तो उसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू, गो टू इंसर्ट मेन्यू और यहाँ पे आपको जाना है पिक्चर ऑप्शन में। ये देखिए पिक्चर ऑप्शन में जाकर के फ्रॉम फाइल को चूज करना है। जैसे ही फ्रॉम फाइल ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, है ना, आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाएगा। और ये देखिए शायद मैंने पहले इमेजेस इंसर्ट किया था, है ना, किसी एप्लीकेशन में, इसलिए डायरेक्ट ये पिक्चर ही आया है। आप यहां से अपना लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, अगर आपने डेस्कटॉप में कहीं भी पिक्चर रखा है तो आप डेस्कटॉप में जा सकते हो, ठीक है, या फिर पिक्चर्स फोल्डर में जा सकते हो। और कैमरा रोल में मैं चला जाता हूं और इस वाले पिक्चर को मैं इंसर्ट कर लेता हूं, चलिए इसे मैं इंसर्ट करता हूं एंड देन क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, ये देखिए आपका इमेजेस इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है राइटर डॉक्यूमेंट में इमेजेस को इंसर्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। देखिए अगर आपको इमेजेस का प्रॉपर्टीज देखना है ना, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे राइट साइड में इसका प्रॉपर्टीज विंडो जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहां से फिर आप इसका प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे ब्राइटनेस को बढ़ाना है या घटाना, तो मैं यहां से कर पाऊंगा। कॉन्ट्रास्ट मुझे बढ़ाना तो वो भी मैं यहां से कर सकता हूं। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्ट्रास्ट को मैंने बढ़ा दिया यहां से। ठीक है, अगर इसका साइज को मुझे बड़ा छोटा करना है, एडजस्ट करना, तो वो भी मैं यहां से कर पाऊंगा। इस प्रकार से आप हाइट को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूं। तो ये देखिए अगर मुझे कम करना है तो मैं कम कर पाऊंगा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं इसे सिंपली 7 कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इमेजेस का प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे और प्रॉपर्टीज को इवन की इमेजेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए बोलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिसाइजिंग डिलीटिंग एन इमेज। ठीक है, तो रिसाइज तो आप यहां से कर ही सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहां पे देखिए पोजीशन एंड साइज, यहां पे आपको सिंपली विड्थ को मेंशन कर देना और हाइट को मेंशन कर देना। ठीक है, और इस प्रकार से आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, सिंपली आपको सबसे पहले तो इमेज को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करते हो, साइजिंग हैंडल्स जो है ना, इसके चारों साइड में देखिए अपीयर हो जाते हैं, आप कहीं से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली लाओगे और ऐसे करके देखिए इसको हम लोग जिस साइज में चाहते हैं
उस साइज में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका मान लो विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको यहां पे आना होगा और ऐसे करके आप इसका विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो। इमेज का हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो आप या तो ये वाले में आइए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे नीचे बॉटम में जो साइजिंग हैंडल्स है ना, यहाँ पे आपको आना होगा और सिंपली होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन और नीचे की ओर आपको बस क्या कर देना है, ड्रैग कर लेना है, ठीक है। नीचे की ओर आपको खींचना है माउस पॉइंटर को। अगर मुझे विड्थ बढ़ाना है तो या तो मैं इस साइड आऊंगा या फिर मैं राइट साइड वाले साइजिंग हैंडल्स में आऊंगा और ऐसे करके मैं इसे इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। डिक्रीज करना तो आप ऐसे डिक्रीज कर सकते हो, है ना। लेकिन आप चाहते हो हाइट और विड्थ दोनों को एक सेम रेशियो में लेकर के इमेज का साइज को रिसाइज करना चाहते हो तो आपको कॉर्नर्स में आना होगा, है ना, कॉर्नर्स वाले साइजिंग हैंडल्स में आना होगा। यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आप ला सकते हो माउस पॉइंटर को, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ला सकते हो किसी भी कॉर्नर से, और ऐसे करके आपको क्या कर देना है, इसे एडजस्ट कर लेना है इसका साइज को अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहते हो, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स या डिलीटिंग इमेजेस। इमेजेस को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, तो ये काफी इजी है। सिंपली आपको पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। ये देखिए पिक्चर्स जो हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग एंड इमेज। इमेज को हम लोग कैसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आते हैं और इमेज को अगर आप क्रॉप करना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रॉपिंग होता क्या है। क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री, परफेक्ट। तो क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड पार्ट फ्रॉम द इमेज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है क्या, इमेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो, है ना, और उसके बाद आपको जाना है पिक्चर ऑप्शन में, ये वाले पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे देखिए पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आना है क्रॉप टैब में। यहाँ पे आप क्रॉप टैब में आ जाए और उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट साइड से देखिए लेफ्ट साइड से मैं इतना क्रॉप करना चाहता हूं और राइट साइड से मैं चाहता हूं ऐसे इतना क्रॉप करना, ठीक है। और मुझे टॉप और बॉटम से नहीं करना, मान लो मुझे बॉटम से भी करना हो तो मैं इतना कर सकता हूं, ठीक है। मैं ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रॉपिंग कर सकते हो इमेज के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग रेफर्स टू कंबाइनिंग टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उसे हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसा करता हूं मैं फिर से इस डॉक्यूमेंट में आता हूं और मैं इस पिक्चर को डिलीट कर लेता हूं और यहां पे हम लोग कुछ शेप्स को इंसर्ट करेंगे। पहले मैं एक ऐसा सिंपल सा छोटा सा शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ, स्क्वायर शेप को, और फिर मैं एक और यहाँ पे इसके ऊपर सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक और शेप मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए परफेक्ट, एक मैं नीचे में ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे। चलिए एक और ले लेता हूँ मैं, आप चाहो तो कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो, ठीक है। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इन पांचों शेप्स को मुझे क्या करना, ग्रुप करना। अभी आप देखो ये अनग्रुप है, अगर मैं इसे चाहूं उठा करके यहां लाना तो ला सकता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे ग्रुप करना है, ये पांचों का पांचों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, सिंपली किसी भी एक शेप को सेलेक्ट कर लो यार, ठीक है। एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और फिर दूसरे शेप पे आपको क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट शेप पे क्लिक करो और फिर नेक्स्ट पे और फिर जो लास्ट वाला बच गया उस शेप पे क्लिक करना है। और उसके बाद फिर आपको माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर लेना है। एंड देन राइट क्लिक द माउस बटन, यहाँ पे राइट क्लिक करना है
और यहां से आपको ग्रुप ऑप्शन में जाकर के ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यही काम आप फॉर्मेट मेनू से भी कर सकते हो। फॉर्मेट मेनू में भी देखो, आप फॉर्मेट मेनू में जाओगे यहां पे भी देखो आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। तो ग्रुप में जाना है और फिर से आपको यहां पे क्या करना, ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखोगे क्या होगा, आप इंडिविजुअली कोई भी शेप को क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा ग्रुप होकर के एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगर आप इसे रिसाइजिंग करना चाहते हो, इसका साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाइट बढ़ाना तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, इसका विड्थ बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। अब ये यार सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। अब यही अगर आपको इसे अनग्रुप करना, तो फिर से आप राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और अनग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनग्रुप हो चुका। मैं इसे अलग कर सकता हूँ, मैं इसे अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोजिशनिंग द इमेज इन द टेक्स्ट। तो ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, पोजिशनिंग द इमेज इन द टेक्स्ट। इसे हम रैपिंग टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और वीडियो का लेंथ ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।